और हम लोग अभी बाजार के लिए बाजार आए हैं मेरे साथ मेरे भाई के साथ। तो आप देख सकते हैं डॉन का मार्केट है। पहले हम उस मार्केट को डॉन बोल रहे थे बट फिर पता चला ये डॉन बोला जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। आप लोग मार्केट देख सकते हैं। शिवाजी चौक आ गया। अच्छा इसको तिवारी चौक बोलते हैं, हमको पता नहीं। मैं भाई घूम रहा था बहुत टाइम से, हम तो अभी निकले हैं घर से। अभी तो अभी हम बाहर निकले हैं थोड़ा सा मार्केट घूमने के लिए। ये डॉन का मार्केट है और हम लोग अभी थोड़ा यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आए हैं। तो मैं भाई के साथ आया हूँ, वो खुद गया है लेने के लिए। आप यहाँ पर एक स्टैचू दिखाता हूँ शिवाजी का। वेट, मैं आगे से दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है मार्केट। अच्छा है, काफ़ी बड़ा मार्केट है बट काफ़ी दूर आना पड़ता है मार्केट के लिए। काफ़ी अच्छा है, किला टाइप का कुछ बना हुआ है, देखने में अच्छा लग रहा है। और जैसे आपने देखा वो शिवाजी का स्टैचू था। अब हम लोग के पास 2 या 3 घंटे हैं कुछ, उसके बाद हम लोग को ट्रेन पकड़ना है मुंबई के लिए। और मैं भाई आ गया, चल चालू कर। ये आगे का मार्केट है, थोड़ा मार्केट अच्छा है। यहाँ पे सभी कुछ अवेलेबल है और यहाँ पे सारे ब्रांड्स के शोरूम भी मिल जाएंगे। आप पता नहीं मेरा भाई कहाँ लेके जा रहा है हमको। यहाँ पे एक चर्च भी है, हम लोग को चर्च में भी जाएंगे कुछ देर बाद, पर पता नहीं शायद अगर बंद हो गया हो तो बोल नहीं सकते। अच्छा पानी पूरी वाला कहाँ है? काफ़ी बड़ा मार्केट है यहाँ पे 3 मार्केट हैं टोटल। हम लोग शायद पीछे वाले घर के पीछे वाले मार्केट में आए हैं। लो सॉरी 4 मार्केट, मैं भाई बता बोला 4 मार्केट है, हमको 3 ही पता था इसलिए मैंने 3 ही बताया। ये हम लोग घर के पीछे का मार्केट है और 2 और 3 मार्केट हैं। हम लोग सबसे अभी जाएंगे या फिर बाद में जाएंगे वहाँ पर। यहाँ पे मार्केट ख़त्म हो जाता है कि आगे कुछ है नहीं, फिर आगे जाने पे हाईवे है। यहाँ पे एक शूज़ स्टोर है, यहाँ पे सभी बोलते हैं यहाँ पे हर ब्रांड के शूज़ मिलेंगे आपको, सारे ब्रांड के शूज़ एक शॉप पे। पहली बार आज तक तो कभी देखा नहीं ऐसे। अब अधिकतर टाइम सब शोरूम अलग अलग होते हैं, यहाँ पे एक ही शोरूम है जिसमें सारे ब्रांडेड शूज़ मिलते हैं। इवन एडिडास के आपको कॉस्टली 20,000 शूज़ यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा अच्छा शॉप था बट अंदर जाके जा रहा हूँ तो रिकॉर्ड करने नहीं मिला इसलिए अंदर नहीं है। ये दूसरा साइड है मार्केट का। यहाँ पे बस मॉल नहीं है एक भी, अभी तक मैंने एक भी मॉल नहीं देखा यहाँ पे। मॉल है यहाँ पे बट यहाँ नहीं है, यहाँ से 1 घंटे लगता है जाने में। पूना वहाँ पे है तो हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं अभी। हम लोग को सूरत जाना है, सूरत जाने के लिए हम लोग पुणे जाएंगे, तो हो सके हम लोग वहाँ पे कुछ घूमें तो टाइम रहा तो घूमेंगे, तब मैं मॉल भी जाऊँगा वहाँ पर। अब हम लोग चर्च जा रहे हैं, पता नहीं चर्च खुला होगा कि नहीं खुला होगा, शायद रात में बंद हो जाता है यहाँ चर्च, पता नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक अजीब नहीं अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ भी आपको बोर्ड साइन बोर्ड्स वगैरह या जो भी बैनर्स वगैरह होते हैं शॉप की या कुछ भी, वहाँ पे इंग्लिश यूज़ नहीं किया जाता है यहाँ पे।
यहाँ पे सब हिंदी में लिखा रहता है या फिर मराठी में, और यहाँ पे हम लोगों को कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ये लोग मराठी बोलते हैं, हम लोग हिंदी में, हिंदी ये हिंदी समझ जाते हैं, बट ये लोग जो भी मराठी में बोलते हैं हमारे ऊपर से जाता है। तो ये एक थोड़ा सा हम लोग का डिसएडवांटेज है, यहाँ पे कुछ बोल देता है तो कुछ समझ में नहीं आता है हम लोग। टनल भी है तो यहाँ ऊपर से ट्रेन जाते हैं और यहाँ नीचे से गाड़ी वगैरह जाती है। एक्चुअली चर्च एग्जैक्ट हम लोग घर के पीछे ही है, तो हम लोग को पहले वहाँ जाना चाहिए था फिर, बट हम लोग लास्ट में वहाँ पे जा रहे हैं। तो हम लोग अभी स्टेशन पे हैं, हम लोग अभी स्टेशन पे हैं, ट्रेन आने वाली है मुंबई के लिए। हम लोग ट्रेन में बैठेंगे और शायद हम लोग सुबह 4 या 5 बजे सुबह तक वहाँ मुंबई पहुँच जाएंगे। आप लोग शायद कल आप लोगों ने ये स्टेशन देखा हो, ये वही स्टेशन है। ट्रेन शायद थोड़ी लेट है, ये आप लोग स्टेशन देख लीजिए। ये काफ़ी बड़ा जंक्शन है और यहाँ से हर सभी जगह जाने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी मैक्सिमम टाइम। काफ़ी बड़ा स्टेशन है और लकीली हम लोग जिनके यहाँ स्टे कर रहे हैं वो टीटी हैं, तो हम लोग को ज़्यादा टिकट वगैरह लेने के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ता है और मैक्सिमम टाइम हम लोग को टिकट मिल जा रहा है। जहाँ भी जाना हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वरना बुकिंग कराने में बहुत टाइम लगती है और अभी से टाइम कन्फर्म नहीं होता है सीट, तो ऐसे ट्रैवल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम लोग अलग हम लोग के साथ हैं तो हम लोग को टिकट हमेशा मिल जा रही है, क्योंकि फूफा के वजह से हम लोग के वो आगे जा रहे हैं, पापा मम्मी और फूफा जी। एक बार ट्रेन में बैठ जाऊँ उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी का वीडियो मुंबई और बाकी ट्रेन का वीडियो देखने के लिए आप लोग कल का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे मुंबई की वीडियोस मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट।